दंपत की हत्या में पुलिस ने मृतक दंपत की छोटी बहू और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया, जबकि इस हत्याकांड की साजिश रचने वाला एक वकील अभी पुलिस की गिरफ्त से फरार है। पुलिस के अनुसार मृत दंपत की हत्या उसकी छोटी बहू के इशारे पर फरार वकील और उसके प्रेमी ने जमीन के विवाद में की थी। पकड़े गए छोटी बहू और उसका प्रेमी रिश्ते में मौसेरे भाई बहन भी है, जबकि पुलिस कस्टडी में आरोपी छोटी बहू और उसके प्रेमी का कहना है कि उसके ससुराली जन जमीनी विवाद के कारण उसे इस हत्याकांड में झूठा फंसा रहे हैं। मृत दंपत की हत्या उनके घर थाना एकदिल के बिरारी गांव में ही 15 अक्टूबर को कर दी गई थी। नहीं सर, ये सब झूठ कह रहे हैं सर। हमसे पहले से लड़ाई दंगा थी, तभी से ये लोग जलते थे, मारपीट हमारी की और घर से निकाल दिया सर। और हम ये दोनों बच्चे अपने मेहनत मजदूरी करके पाल रहे हैं सर। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र जी। क्यों आपने मर्डर किया? क्या बात? नहीं किया साहब मर्डर मैंने, बिल्कुल साहब। मेरा क्या लेना देना इनसे? कोई लेना देना भी नहीं साहब मेरा इनसे। अरे यार, आपका जमीन आप उसके नाम कराना चाह रही थी, आपकी प्रेम का? नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं साहब। मेरी मौसी की लड़की है साहब। हाँ, और साहब हमने सभी बहन से ज्यादा माना साहब। तो 15/16 की ये घटना है। 14 तारीख की रात्रि में भी ये उसका महिला का प्रेमी है, ये आया गाँव में और इसने डराया धमकाया। उसके बाद 15 की रात्रि में भी उनकी जो बड़ी बहू है उसने उसे खड़े हुए देखा घर के सामने। सुबह को 16 तारीख की सुबह को ये वृद्ध दंपत्ति की लाश जो है वो आंगन में पड़ी पाई गई, तो उसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक महिला है और जो उनकी पुत्रवधु है और उसका एक प्रेमी है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। और भी अभी लोगों की इसमें गिरफ्तारियाँ होंगी, जो इसमें अला कत्ल है वो भी बनाना दे दिया। वकील भी आरोपी है। वकील के अलावा भी कुछ लोग नाम प्रकाश में आए हैं, वो पूरी चीज इन्वेस्टिगेशन में भी क्लियर होगी। मर्डर वाले इशू। हाँ, क्या जो डबल मर्डर हुआ इसका वकील भी इन्वॉल्व? एक सच्चू श्रीवास्तव नाम का एक वकील है, वो भी इन्वॉल्व है।